एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सांझापुर के ब्लॉक बंडा में स्थित सबलापुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। लगभग 2500 की आबादी व 1000 वोटरों द्वारा सत्य प्रकाश त्रिवेदी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर उन्हें गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जूनियर व प्राइमरी पाठशाला में भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 18 हैंडपंप लगे हुए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर, सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 25 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 41 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पंचायत भवन, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 90 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। सत्य प्रकाश त्रिवेदी, ग्राम पंचायत सबलापुर के हम प्रधान हैं। हमारी ब्लॉक बंडा है, तहसील पुमाया, जिला शाहजहांपुर, थाना पुमाया है। अपनी ग्राम पंचायत में खड़ंजा बनवाए, नाली बनवाई, नाला बनवाए, इंटरलॉकिंग करवाई, कच्चे रोड बनवाए, तालाब खुदवाया और आवास बनवाए, नल लगवाए, नल की रिपेयरिंग करवाई और रिबोर करवाए। 40 शौचालय बनेंगे, बाकी कार्य चल रहा है आगे। हमारी साहब मांग है, हमारे गांव में 20-25 लाइटें लगवाई जाएं, हमारे गांव में पानी टंकी लगवाई जाए, हमारे गांव में सबलापुर से और कूड़ा तक पक्का रोड हमें चाहिए बनवाया जाए, सरकारी स्थल बनवाया जाए, बारात घर जे हमारे कोई सुविधा नहीं है, और 150 शौचालय हमको चाहिए, वो 150 हमें आवास चाहिए, आवास हमारे कम आए नहीं है। हमारा मानदेय 35 रुपये की तो महीने में चाय घर पी जाती है और आने जाने पेट्रोल पास कर रहा है। हमें कम से कम 15,000 रुपये हमारा मानदेय दिया जाए जिससे हमारा खर्चा पूरा हो।